आज की सभा में आए हुए मुंबई के सभी सम्मानित नागरिकों, भावना बहन, उनके सभी सहकर्मी, पदाधिकारी लॉयंस क्लब के, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस समारोह को आपने आयोजित किया और मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया। आज का समय थोड़ा सा गमगीन है क्योंकि अचानक से बड़ा जलजल आया है, भूकंप आया है, धरती कंप आया है। मेरे मन में एक दो बार तो ऐसा था कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊं कि ना जाऊं, दुविधा थी काफी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सहकर्मी कार्यकर्ता इस भूकंप में भगवान को प्यारे हो चुके हैं। आजादी बचाओ आंदोलन का भुज में कार्यालय जो चलता था वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और हमारे कई कार्यकर्ताओं का उसमें देहांत भी हो चुका है, तो मन में थोड़ी दुविधा थी। फिर भावना बहन की थोड़ी प्रेरणा हुई कि नहीं, आप जरूर आइए, तो मैं यहां किसी तरह से आ गया। हम सब ने दो मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, मैं भी उसमें शामिल हुआ, इसका मुझे खुशी है। ये जो भूकंप आया है इसमें आप सब लोग लाइन्स क्लब की तरफ से कुछ मदद भेज चुके हैं और कुछ भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये सुनकर भी मेरा हौसला बढ़ा और आगे भी आप शायद ये मदद लगातार जारी रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप सबसे। ये जो भूकंप आया है इसमें चार तरह के काम करने होंगे। एक काम तो ये है कि तात्कालिक रूप से दवाओं की बहुत जरूरत है, डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लगे हुए हैं। चार टीमें हमारी दो दो डॉक्टर और 10-10 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर उपस्थित हैं, भुज में, अंजार में, बचाओ में, तीन स्थानों पर। तो उनकी जो बराबर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहली जरूरत है दवाओं की, और दवाओं की जरूरत है उन गांवों में जहां पर मिलिट्री के डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे। भुज में तो काफी बड़ी संख्या में मिलिट्री के डॉक्टर्स हैं, देश के अन्य भी जाने माने बहुत सारे डॉक्टर्स भुज और अंजार में पहुंच चुके हैं, लेकिन करीब 300-350 गांव हैं। राजकोट से भुज अगर जाएं, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे शायद बाय रोड, तो उस पूरे रास्ते पर 200 किलोमीटर का फासला है राजकोट से भुज के बीच का लगभग। उस रास्ते में करीब 350 गांव हैं, उन 350 गांवों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय जो ज्यादा मदद पहुंच रही है वो भुज में पहुंच रही है क्योंकि टेलीविजन पे उसका एडवर्टाइजमेंट काफी हो रहा है न्यूज के माध्यम से, तो जो भी लोग पहुंच रहे हैं भुज में पहुंच रहे हैं। मेरा आप सब लॉयंस के साथियों से निवेदन है कि अगली मदद जब आप भेजें तो उसको भुज में न भेजें, अंजार में न भेजें, बचाओ में न भेजें, क्योंकि ये तीनों स्थानों पर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पहुंच चुका है। अभी वहां लेने वाले लोग नहीं है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है, भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं तो लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, लेकिन जो जीवित बच गए हैं वो माइग्रेट कर गए। भुज में से काफी लोग माइग्रेट कर गए हैं, अंजार में से कर गए हैं, बचाओ में से कर गए हैं, तो माइग्रेशन ज्यादा होने के कारण वहां जिनको आप रिलीफ देना चाहते हैं वो लोग नहीं है, माने जो पात्र हैं रिलीफ लेने के वो इस समय वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो हो क्या रहा है कि आप जो भी मदद भेजते हैं आर्मी ऑफिसर्स उसको रख लेते हैं और वो कहते हैं कि आप मदद छोड़ के चले जाइए, तो मुश्किल अभी ये आ रही है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगली बार आप जो भी मदद भेजें, जो आपने भेज दिया वो तो भेज दिया, लेकिन नेक्स्ट उसमें आप दो बातों का ध्यान रखें कि ये जो राजकोट से आप मदद बांटना शुरू करें, राजकोट को केंद्र बनाएं, वहां से चलें भुज की तरफ, तो रास्ते में मैंने बताया है मैं पूरे उस इलाके में बहुत बार जा चुका हूं, तो लगभग 350 गांव हैं, सड़क के NH 15 है, नेशनल हाईवे 15 नंबर, उसके दोनों तरफ करीब 350 गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेन रोड से 20-50 किलोमीटर तक अंदर हैं, कुछ गांव मेन रोड से 10-15 किलोमीटर के अंदर हैं, तो इन गांवों में इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंच रहा और उन गांवों का नाम न्यूज में भी नहीं है। तो आप जो नेक्स्ट अपना ट्रिप भेजेंगे उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे मेडिसिन हों, चाहे कंबल हों या कुछ दूसरी सामग्री हो, वो उन गांवों में जरूर भेजने की कोशिश करें जहां पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ी तकलीफ होगी आपको वहां तक जाने में क्योंकि वो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है, मेन रोड तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर गांव में जब जाएंगे तो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद इस समय उन्हीं को चाहिए।
तो एक तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, दूसरा अपील ये करना चाहता हूँ कि इस समय मेडिसिन फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेडिसिन और डॉक्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी वहां पर कंबलों की है, कंबल सबसे ज्यादा चाहिए और नए कंबल चाहिए, पुराने कंबल ना भेजें। जैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि घर में पुराना कोई कंबल है, पुरानी रजाई है, वो दे दिया, वो किसी से ना लें, नया कंबल लें, नई रजाई लें, गादी अगर ले सकें तो वो भी वहां बहुत जरूरी है इस समय। तो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है कंबल, गादी और रजाई, और थर्ड प्रायोरिटी है गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, वो स्वेटर हो सकते हैं, जर्सियां हो सकती हैं, कुछ भी वूलन वहां चाहिए, शॉल चाहिए काफी बड़ी संख्या में। थर्ड प्रायोरिटी है वहां के लोगों को अपना बसेरा खड़ा करने के लिए ताड़पत्री बहुत चाहिए, ताड़पत्री की इस समय वहां सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ताड़पत्री हो, उनको टिकाए रखने के लिए कुछ बंबू चाहिए, कुछ बांस चाहिए, उसके टुकड़े चाहिए। तो ये थर्ड प्रायोरिटी। और लास्ट प्रायोरिटी जो मैं मानता हूं वो ये कि ये आप जानते हैं कि हमारे देश के सभी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये कच्छ का जो इलाका है वो हाईली सीस्मिक जोन है। भारत सरकार ने इसको जोन 5 डिक्लेयर किया, जोन 5 माने सबसे ज्यादा सेंसिटिव, जहां पर सबसे जल्दी भूकंप आ सकता है। ऐसे ही एक जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है, जोन 1 है। जोन 1 में क्या आता है, पूरा कर्नाटक के साथ केरल, ये जोन 1 है जहां पर कभी भी भूकंप आने की संभावना सबसे कम है, कर्नाटक। जोन 2 उससे ज्यादा सेंसिटिव है, फिर जोन 3 उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, जोन 4 उससे भी ज्यादा, और जोन 5 तो हाईली सेंसिटिव है। तो जोन 5 में एक तो पूरा कच्छ आता है, गुजरात का कुछ इलाका आता है, फिर उसके अलावा आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा जो हिमालयन बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का इलाका जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, गढ़वाल वगैरह वगैरह, ये जोन 5 में पूरा आता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो हिमालय की चोटी से लेकर और इधर पश्चिम की ये जो पूरी बेल्ट है कच्छ तक की, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप के लिए। तो जो लास्ट ऑपरेशन हमें करना चाहिए, हम सबको मिलकर उसमें आप हम सब शामिल हों, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर जन जागरण का काम, मास अवेकनिंग काम, वो किस चीज के लिए कि घर कैसा बनाएं ताकि अगले भूकंप से बचें। मेरा ऐसा मानना है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, अपने बनाए हुए घरों से मरते। भूकंप लोगों की जान नहीं लेता कभी भी, लेकिन लोगों ने जो अपना आशियाना बनाया है रहने के लिए बड़े मन से, बड़े श्रम से, बहुत सारा पैसा लगा के, उसी आशियाने से मरते। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो हाईली सीस्मिक जोन होता है वहां पर घर कुछ इस तरह के होने चाहिए जिनकी छत हल्के से हल्के मटेरियल से बनाई जाए, फाइबर का यूज कर सकें, घास फूस का यूज कर सकें, वो मिट्टी के जो कवेलू आते हैं, टाइल्स आते हैं जिनको मैंगलोरी टाइल्स आप कहते हैं, उनका यूज कर सकें। अगर इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर उनकी छत बनेगी तो अगले भूकंप में मरने वालों की संख्या सबसे कम होगी। मैंने आपको कहा कि भूकंप तो वहां आने ही वाले हैं, उनको आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, और दुर्भाग्य से इतनी ज्यादा विज्ञान और तकनीकी प्रगति होने के बाद भी भूकंप की भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है। कोई भी वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता कि भूकंप इस तारीख को आने वाला। बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है, गर्मी की जा सकती है, भूकंप की संभव नहीं है। तो भविष्यवाणी करना एकदम असंभव है, और ये हाईली सीस्मिक जोन है इसलिए बार बार इसमें भूकंप आने ही वाले हैं, सालों साल ये चलने वाला है। तो क्यों नहीं हम हमारे लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करें जो उस इलाके में रहते हैं कि भाई तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए। तो इसका एक बड़े पैमाने पर वहां कैंपेन हमको चलाना होगा, क्योंकि बिना उसके कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अभी तो हम मदद कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये तो तात्कालिक काम है, लेकिन अगर कोई परमानेंट काम वहां पर करना है हमको तो वो ये हो सकता है कि लॉयंस क्लब की मदद से, रोटरी क्लब की मदद से, या रोटरेक्ट की मदद से, या इनर व्हील की तरफ से, या लॉयनेस की तरफ से, या आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कार्यकर्ता जो लगे हैं पूरे देश में उनकी मदद से उस पूरे बेल्ट में लोगों के बीच में एक बड़ा कैंपेन इस बात के लिए चले कि आपके जो आशियाने उजड़ गए, ठीक है, हो गया वो हो गया, अभी आगे अपना घर आप कैसे बनाएं। तो उस संदर्भ में मैं मेरे कुछ मित्रों के साथ जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं, जो भूकंप के विषय के ज्ञाता हैं,
और ऊंचे पदों पर भारत सरकार में काम करते हैं, उनमें मेरे एक बहुत नजदीकी मित्र हैं डॉक्टर नेगी करके, रुड़की में हैं, वो रुड़की यूनिवर्सिटी में सीस्मोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार को। उनसे मैंने अपील की है कि एक 25 पन्ने की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे हैं। वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं, फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं, फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाषा में, बंगला भाषा में, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां समझे जाने वाली भाषाओं में पूरे बड़े पैमाने पर भाषांतरण करके छपाना चाहते हैं, और लाखों की संख्या में बिना किसी शुल्क के लोगों को देना चाहते हैं। अब जैसे कच्छ के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुजराती भाषा में बने, आसाम में आसामी भाषा में बने, ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तैयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना है। तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हूं मेरे व्याख्यान के शुरू में वो ये कि ये जो भूकंप आया है इसमें कुछ मदद तो हम तात्कालिक रूप से करें और कुछ मदद ऐसी करें जो परमानेंट रिलीफ हो, ताकि भविष्य में इस तरह के समाचार सुनने को न मिले कि भूकंप आया और उसमें 50,000 लोग मर गए। आप जानते हैं कि इस भूकंप में 50,000 लोग मर चुके हैं, 1,00,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है। माने लगभग 1,50,000 लोगों की कुल मृत्यु होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्टेज में सुनेंगे। भारत में ये जो भूकंप आया है इससे बड़ा भूकंप एक ही बार आया है, वो चीन में आया था। चीन का भूकंप आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले आया था, जिसमें 8.5 लाख लोग मरे थे। तो चीन की सरकार ने जो रिहैबिलिटेशन किया अपने उस इलाके में, उसका मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, और उस अध्ययन में से मुझे दो बातें समझ में आई। उन्होंने एक तो तुरंत इमीडिएट करने वाले काम, लोगों को खाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगैरह वगैरह, लेकिन जो दूसरा परमानेंट काम उन्होंने किया कि जिस इलाके में भूकंप आया वहां घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकंप आया लेकिन मरने वालों की संख्या 5, 10, 15, 20 ऐसी ही रही है। एक बार भूकंप आया 8.5 लाख लोग मर गए, उस पर से चीन के लोगों के मन में ध्यान में आया, सरकार के मन में आया, वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगली बार वहां के घरों की डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो भूकंप रोधी हो, माने घर गिरे, छत टूटे, मरने वालों की संख्या कम से कम हो। और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है, वहां तो अक्सर ही भूकंप आते रहते हैं, तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो टेक्नोलॉजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें, वो परमानेंट रिलीफ वर्क होगा, शायद उसी का महत्व तो आने वाली पीढ़ियों को समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चार तरह की मदद आप वहां करें। पहली मदद डॉक्टर दवाओं की, दूसरी मदद कंबलों की, गर्म कपड़ों की, तीसरी मदद उनको अपना तात्कालिक रूप से आशियाना बनाने के लिए ताड़पत्री वगैरह वगैरह जो चाहिए उसकी, और आखिरी मदद ये जो बुकलेट हम बनाने जा रहे हैं, इस बुकलेट का लार्ज स्केल पर पब्लिकेशन हो, 10-20 हजार आप छाप कर दें, 10-20 हजार कोई और छाप कर दें, 50 हजार आप दे सकें तो 50 हजार दे दें हमें बनाकर, हम उसको गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर उनको देना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उनका मानसिक तैयारी कराना चाहते हैं। एक आखिरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूं वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांत में उनके यहां भूकंप आया तो जो भूकंप रोधी घर बनाए, या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकंप रोधी घर बनाए, उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मैं चीन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी का कौन सा घर? महात्मा गांधी के तीन घर हैं। एक घर उनका पोरबंदर, जहां पर उनका जन्म हुआ, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। दूसरा उनका जवानी का घर, जहां पर वो जवान हुए, पढ़ाई की, वो राजकोट में, धर्मेंद्र रोड है एक राजकोट में, आप में से शायद कई लोग गए होंगे, वहां पर उनका घर है। तीसरा घर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो भी आप में से कई लोगों ने देखा। एक आखिरी घर और है महात्मा गांधी का, वो सेवाग्राम आश्रम नागपुर के पास। मैं भी सौभाग्य से वहीं रहता हूं इस समय, महात्मा गांधी के घर के नजदीक ही मेरी कुटिया है सेवाग्राम आश्रम में। सेवाग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है, उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर, आप कभी भी वहां आइए,
लगे तो कभी आपके लॉयंस क्लब की कोई कॉन्फ्रेंस वहां आयोजित करिए। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं। दुनिया के पता नहीं हजारों आर्किटेक्ट आए हैं वो घर देखने के लिए, और सब ने उसको एक ही सर्टिफिकेट दिया है कि भूकंप से बचने के लिए इससे अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया। अच्छा, और एक मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांधी जी ने डिजाइन किया वो खुद किया, किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया। और महात्मा गांधी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी उसका उन्होंने वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है। उसकी दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया तो उसमें तीन शर्त मैंने लगाई अपने ऊपर। पहली शर्त यह कि मेरा घर 500 रुपए में बनना चाहिए, एक रुपया उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 501 रुपए लगा तो मैं कान खींचूंगा कार्यकर्ताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी। पहली शर्त यह कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपए होना चाहिए। और ये बात कब की है, 1936 की। 1936 में गांधी जी का वो घर बनकर तैयार हुआ। तो पहली शर्त यह कि वो घर पूरा 500 रुपए में बनना चाहिए। दूसरी शर्त उस घर की ये कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो जहां घर बनता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में से ही आना चाहिए। उस गांव के 20 किलोमीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी, दूसरी शर्त यह उसकी। और तीसरी और आखिरी शर्त यह गांधी जी ने लगाई थी कि घर के अंदर में जहां भी बैठूं मुझे आसमान दिखाई देना चाहिए। मैं घर के अंदर किसी भी स्थान पर बैठूं मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए। अब ये तीन शर्तों के आधार पर गांधी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बना दो। पहली शर्त कि 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा, दूसरी शर्त कि 20 किलोमीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा, और तीसरी और आखिरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाऊं जाकर मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए। तो जितने भी आर्किटेक्ट आए सब फेल हो गए। सबने गांधी जी को कहा कि माफ करिए, हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते। फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्ट आए जो गांधी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ अमेरिकन आए, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो गए। फिर सबको चिंता होने लगी कि ये घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता थी जमुना लाल बजाज जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो। तो जमुना लाल बजाज जी ने कहा कि बापू आप 500 रुपए की बात करते हैं, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता है, उसमें क्या तकलीफ है। आप जानते हैं बजाज जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था, वो जो रकम भर के उसको साइन कर देंगे वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो ब्लैंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता वो 500 रुपए, तो ये तुम्हें देना है इसकी व्यवस्था। तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परेशान हो गए, बजाज जी को बहुत तकलीफ हो गई। अब वो कहने लगे कि फिर बापू घर वर बनेगा नहीं बनेगा, एक झोपड़ा बना लो यहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने घर का डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया। आप कभी भी आइए उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है। उस घर में जितना भी रॉ मटेरियल लगाया गया है वो सब सेवाग्राम से 20 किलोमीटर दूर के गांव से लाया गया। दूसरा, उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो 20 किलोमीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो। और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499.50 रुपए ही आया। 500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था। और तीसरी शर्त कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाइए आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा। तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इनविटेशन कर रहा हूं आपको कि आप आइए सेवाग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फ्रेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए। और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराइए, ये मैं चाहता हूं। और वो घर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है। दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ जिसका नाम था इवान इलिच। उसने गांधी जी के घर के बारे में लिखा है कि मैंने दुनिया के 50 सैकड़ों हजारों कंस्ट्रक्शन देखे हैं, ऐसा अद्भुत कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। दुनिया का उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिप्पणी है गांधी जी के घर के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूकंप से जुड़ता है। गांधी जी ने जब घर के निर्माण की रचना की तो उनको किसी ने कहा कि गांधी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहां पर है वहां भी
टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं और वो सीस्मिक जोन है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसका ध्यान बराबर रखूंगा कि ये सीस्मिक जोन है, और उन्होंने घर का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि उस इलाके में बार बार भूकंप आए हैं। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में भूकंप नहीं आए हैं, गांधी जी के घर को आज तक एक क्रैक भी नहीं आया, आज तक क्रैक नहीं आया। और वो घर बने हुए 1936 और आज 2000, तो आप सोचिए 64 ईयर्स तो हो ही गए, उसमें एक पैसा का सीमेंट नहीं लगा, एक पैसे का सीमेंट नहीं लगा, कहीं पर लोहा नहीं है, आयरन नहीं है। जो घर में इस्तेमाल किया गया है मटेरियल, वो एक तो मड है, मिट्टी है, दूसरा कवेलू है, टाइल्स है मिट्टी के बने हुए, तीसरा बांस है, बंबू है, बस तीन ही चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया और वो तीन चीजों से उनका घर बना है। आज तक कभी उसमें क्रैक नहीं आया, आज तक कभी वो गिरा नहीं है, और उसकी जो लाइफ बताते हैं लोग कि इसकी टोटल लाइफ कितनी होने वाली है, तो मिनिमम लाइफ उसकी लोगों ने कैलकुलेट की है कि 150 ईयर्स तो होने ही वाली है, माने उसमें करीब 64 ईयर्स तो बीत गए हैं, लगभग 100 साल वो घर और रहने वाला। हम लोग वहां सिर्फ इतना ही करते हैं कि साल में एक बार उसको पुताई करते हैं, और वो भी गांधी जी नियम बनाकर गए थे, उसके हिसाब से करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर की पुताई किस चीज से होगी, गाय के गोबर से। तो वहां गाय पाली जाती है आश्रम में, उसका गोबर निकाला जाता है, उस गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है, साल में एक बार उसकी पुताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं बस, और उसमें मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं। तो आप कभी आएंगे तो देखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि उस घर का जो डिजाइन है और उस घर को बनाने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक हमारी उस पुस्तक में आए और पूरे कच्छ के इलाके के लोगों को बांटा जाए कि भाई देखो आदर्श घर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है। और गांधी जी गुजरात के ही थे, गुजराती लोगों को ये और जल्दी समझ में आएगा कि हमारे ही किसी व्यक्ति का डिजाइन किया हुआ वो है। तो ये एक छोटी सी बात जो व्याख्यान के पहले मैं कहना चाहता था। एक छोटी सी दूसरी बात और, कि मैंने मेरे जीवन में ये सब जो शुरू किया स्वदेशी का काम या आजादी बचाओ आंदोलन का काम, तो मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी से ही हुआ। वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के जीवन की एक ही घटना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो घटना सुना के मैं मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं। वो घटना है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के प्रवास की। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1894-95 के आसपास दक्षिणी अफ्रीका गए, पहले वकालत पूरी की, वकालत की पढ़ाई पूरी की, इंग्लैंड से वापस लौटे, वापस लौटने के बाद फिर दक्षिणी अफ्रीका गए। एक सिलसिले में कोई केस था, उस केस के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो वो गए जब साउथ अफ्रीका, तो वकील बैरिस्टर की हैसियत से गए। हुआ क्या, वो घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिसने मुझे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। गांधी जी पहुंचे, वहां एक कोई कंपनी थी, वो कंपनी को कोई केस हुआ था, वो भारत के ही कुछ लोगों की कंपनी थी। तो गांधी जी उनके वकील की हैसियत से वहां केस लड़ने वाले थे। तो गांधी जी जब वहां पहुंचे, तो उसके पहले जो वकील महोदय थे जो केस लड़ रहे थे, पहले से ही एक लॉयर थे वहां पर, उनके साथ गांधी जी का परिचय हुआ। तो गांधी जी ने पूछा कि मुझे जो केस लड़ना है उसकी फाइल जरा दे दो। तो गांधी जी ने फाइल का अध्ययन किया, फिर उसने कहा कि अदालत कहां पर है, वहां लेकर जरा चलो। तो गांधी जी की पहली घटना है ये साउथ अफ्रीका की, वो अदालत में पहुंचे। आप जानते हैं कि खाटी गुजराती आदमी, और गुजरातियों में भी काठियावाड़ी, तो एकदम शुद्ध काठियावाड़ी आदमी। तो आप जानते हैं काठियावाड़ के लोग तो वो पगड़ी बांधते हैं ना, 5 मीटर लंबा कपड़े की वो पगड़ी बनाते हैं और एक विशेष स्टाइल में उसको बांधा जाता है। तो गांधी जी पगड़ी बांधकर अदालत में पहुंच गए। अब जज ने जब देखा कि पगड़ी बांधे हुए कोई व्यक्ति आके बैठ गया है, तो जज ने उनके ऊपर बहुत जबरदस्त व्यंग कसा, और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि अदालत के कानून के अनुसार यहां पगड़ी बांधकर आना मना है, अदालत के कानून के अनुसार। तो गांधी जी ने पूछा, तो जज ने कहा कि आपको ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी, तब आप यहां बैठ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये पगड़ी मेरे शान का प्रतीक है, ये मेरी इज्जत का प्रतीक है। मैं भारत में जिस स्थान से आया हूं वहां पगड़ी उतारी नहीं जाती। काठियावाड़ भारत का वो स्थान है जहां पगड़ी उतारना सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, और पगड़ी वही उतारता है जो किसी का गुलाम हो जाता है। मैं आपका गुलाम नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मैं पगड़ी नहीं उतार सकता। जज बौखला गया, क्योंकि इतनी हिम्मत से बात कहने वाला कोई आदमी उसके सामने पहली बार आया।
तो उसने पूछा कि ये है कौन। तो बताया गया कि केस के सिलसिले में ये एक लॉयर है जो भारत से आया है। तो उन्होंने कहा कि इसको तमीज सिखानी चाहिए। तो उनके जो बगल का लॉयर था जो गांधी जी को लेके गया था, उसने खुसफुस करना शुरू किया और गांधी जी को समझाया कि भाई आप ये उतार दीजिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, दिमाग। गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे सम्मान का प्रतीक है। मैं पगड़ी मैंने अगर उतारी तो ये भारत की पगड़ी उतार दी, ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तो तैयार हूं जेल जाने के लिए, आप उनसे कहो कि ऑर्डर करें और मुझे जेल में भेज। तो जज भी परेशान हुआ। अब वो गए थे केस लड़ने के लिए और अपना ही केस लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जज बौखला गया कि ये आदमी कहता है कि ऑर्डर करो, मुझे जेल में भेजो, मैं पगड़ी नहीं उतार सकता, तुम्हारे जो कानून है उसके आधार पर काम। अब वो जज बौखला गया, फिर बहुत सारे लोग आ गए, हंगामा होने लगा, फिर बहुत सारे पत्रकार भी थे, वो सब इकट्ठे हुए। तो जज ने बात को समाप्त करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि अगर पगड़ी नहीं उतार सकते तो आप इस अदालत से बाहर चले जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे ये मंजूर है कि मैं अदालत छोड़ के चला जाऊं। और गांधी जी छोड़ के निकल अदालत। फिर हुआ क्या कि गांधी जी ने जो पहला संकल्प किया साउथ अफ्रीका में, वो यही संकल्प था कि मैं अगली बार जब बहस करने आऊंगा इस अदालत में तो ये कानून बदला हुआ मिलना चाहिए मुझे, तब मैं बहस करने के लिए आऊंगा। मैं पगड़ी कभी नहीं उतारूंगा, पगड़ी पहनकर ही बहस करूंगा पूरी अदालत में। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने वो अंग्रेजी कानून बदलवा दिया, अंग्रेजों को कानून बदलना पड़ा। और महात्मा गांधी ने फिर जितने भी समय बहस की साउथ अफ्रीका में रहते हुए, पगड़ी पहनकर ही बहस। इस एक घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। घटना बहुत छोटी सी है, अगर गांधी जी चाहते तो समझौता कर सकते थे और वो समझौता करना बहुत आसान था, लेकिन गांधी जी ने उस पगड़ी को भारत के सम्मान का प्रतीक बना दिया वहां पर। और गांधी जी ने बाद में लिखा है अपनी पुस्तक में कि अगर मैंने वो समझौता किया होता तो बार बार मैंने समझौते किए होते और भारत की आजादी का लक्ष्य अधूरा रह गया होता। एक और ऐसी घटना हुई, वो सुनाने का लालच मेरे मन में आया क्योंकि महात्मा गांधी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक दूसरी घटना और हुई जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ महात्मा गांधी से। वो घटना हुई, वो भी साउथ अफ्रीका में हुई। घटना ऐसी हुई कि जब ये पगड़ी वाला कानून अंग्रेजों ने बदल दिया और पगड़ी पहनकर बहस करने पर पाबंदी हटा ली गई, और पाबंदी हटाने के बाद फिर जो सरदार लोग वहां रहते थे साउथ अफ्रीका में, उनको भी इजाजत मिली कि वो पगड़ी पहनकर बहस कर सकते हैं, तो गांधी जी के सामने एक दूसरी चुनौती थी। और वो चुनौती थी वो ये कि अचानक से प्रिटोरिया में एक कानून बना। प्रिटोरिया उस समय राजधानी था साउथ अफ्रीका की। तो कानून वो इस तरह का था कि जितने एशियन लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया गया, इसका एक कानून था। उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन ही बना के रखना है। और उसके लिए कानून में यह तय किया गया कि आप जो भी एशिया से आए हैं उनको आने के तत्काल बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना, और वो साउथ अफ्रीका के उन कॉलोनीज में नहीं रहेंगे जहां पर वहां के अंग्रेज रहते हैं, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी। जैसे हमारे देश में होता है ना, अभी भी गांव में आप जाइए तो फ्यूडलिज्म जहां पर है वहां पर जो एसटी एसटी होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके घर गांव के बाहर होते हैं। वैसा ही कुछ कानून वहां बनाने की बात चली कि जो एशियन सिटीजन्स हैं, जो एशिया से आने वाले लोग हैं, उनको साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ नहीं रहना है, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनके ही रहना, और आने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, शादी करनी है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह इस तरह से। और जो वहां के उद्योग धंधे हैं उनमें उनकी इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगा, माने हमेशा आप वहां नौकर बनकर रहेंगे, आप किसी इंडस्ट्री को ओन नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनेस आप नहीं चला पाएंगे। ऐसा एक कानून बनाने की तैयारी अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार ने की। महात्मा गांधी ने उसको चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने कहा कि ये कानून मैं बनने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। अब जब वो कानून नहीं बनने दूंगा ये संकल्प कर लिया, तो महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया। अभियान क्या शुरू किया, गांव गांव जाना, जो एशिया के रहने वाले लोग हैं उनको मोबिलाइज करना, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करना और इस कानून को रुकवाना। तो वहां पर जो मुसलमान समुदाय के लोग थे उनमें जाकर उन्होंने कहना शुरू किया, हिंदू समाज के लोग थे उनको समझाना शुरू किया। गांधी जी के समझाने का नतीजा ये निकला
कि 2-3 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन उस कानून के विरुद्ध बन गया। गांधी जी ने फिर एक रैली आयोजित की और उस रैली में करीब 10,000 लोग आए, स्त्री पुरुष बच्चे, उसमें हिंदू